जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित शमशाबाद में आयोजित हुए पंचकल्याणक महोत्सव के यादगार पल। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के आशीर्वाद से विगत 27 अप्रैल से 2 मई के मध्य आयोजित हुए इस महोत्सव में परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ससंग का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। महोत्सव के मध्य गर्भ से निर्वाण तक की इस यात्रा को पूरा कराने में संघस्थ त्यागी व्रतियों के अलावा अन्य सह प्रतिष्ठाचार्यों ने भी अपनी भूमिका निभाई। तो आइए अवलोकन करते हैं आज की इस प्रथम कड़ी का। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ससंग के सानिध्य में श्रीमद् जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित शमशाबाद में 27 अप्रैल से 2 मई के मध्य आयोजित हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ससंग के भव्य मंगल प्रवेश के साथ हुआ। नगर में प्रवेश करते ही भक्तों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं उनकी आरती उतार कर भव्य आगवानी की, तो वहीं उपस्थित साधु संतों ने भी गुरुवर के चरणों को पखार कर उनका आशीष प्राप्त किया। गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात भक्तों ने भव्य घट यात्रा निकाली। इस दौरान नगर भक्तों को साधु संतों का जगह जगह पाद प्रक्षालन एवं मंगल आरती उतारने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। प्रभु की घट यात्रा में शीश पर कलश धारण कर मार्ग में अग्रसर हो रही सौभाग्यशाली श्राविकाएं एवं कतारों में चल रहे स्कूलों के बच्चे यात्रा को और भी आकर्षित बना रहे थे। नगर में धर्म प्रभावना करते हुए प्रभु की घट यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची और भक्तों ने गुरुवर के श्री चरणों में नारियल समर्पित कर आज्ञा प्राप्त की, साथ ही ध्वजारोहण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। श्रद्धालुओं ने गुरुवर के सानिध्य में मंडप उद्घाटन कर मंगल प्रवेश किया और विधि विधान पूर्वक प्रतिष्ठाचार्यों और आगंतुकों का कमेटी के पदस्थों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। ये है संस्कृति हिंदुस्तान की, ये है संस्कृति हिंदुस्तान की। इसके बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर जी में श्री जी से अनुमति प्राप्त की और उन्हें स्वर्णिम रथ में विराजमान कर कार्यक्रम स्थल के लिए रथ यात्रा निकाली। इस दौरान श्राविकाएं शीश पर कलशों को धारण कर प्रभु गुणगान करते हुए मार्ग में अग्रसर हो रही थी।
बैंडबाजों के साथ निकाली गई प्रभु की रथ यात्रा बड़ी ही भव्य थी, जिसमें घोड़े एवं बग्गियां नगरवासियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र थी। तदुपरांत नगर भ्रमण करते हुए श्री जी की यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची और भक्तों ने प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर उनका जलाभिषेक एवं शांति धारा की। प्रभु की शांति धारा करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के दिशा निर्देशन में पूजन की सकलीकरण क्रिया, इंद्र प्रतिष्ठा, नंदी विधान एवं मंडप प्रतिष्ठा आदि क्रियाओं को विधि विधान पूर्वक सम्पन्न किया। तत्पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने याग मंडल विधान किया, जिसमें भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य श्री जी के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए तो साथ ही आनंद नृत्य के माध्यम से अपनी भक्ति भी प्रकट की। पूजन के पश्चात श्रद्धालुओं ने श्री जिनेन्द्र प्रभु की मंगल आरती उतारी। इस दौरान उपस्थित भक्तों का उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा था। अभी आप देख रहे हैं कार्यक्रम श्रीमद् जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की झलकियां। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे समारोह के आगे के दृश्य। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम श्रीमद् जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में। ब्रेक से पूर्व आपने देखी थी घट यात्रा एवं ध्वजारोहण की पावन झलकियां। और आइए अब देखते हैं समारोह के शेष दृश्य। आरती के पश्चात बालिकाओं ने मंगलाचरण के साथ सौधर्म सभा का शुभारंभ किया, जिसमें इंद्र इंद्राणियों ने नृत्यमयी तत्व चर्चा की। तभी सौधर्म इंद्र सची इंद्राणी के साथ सभा में पधारे और उनके मनोरंजन में अप्सरा ने नृत्य प्रस्तुत किया। Oh, my God.
अचानक सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होने लगा और देवेंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से जानकर 7 कदम आगे बढ़कर साष्टांग प्रणाम किया तथा इंद्राणी के पूछने पर 15 माह बाद अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का अवतरण होना बताया। आश्चर्य मत करिए, यह तो तुम जानती हो मेरा सिर बुध बार सकते थे सामने ही झुकता है। कुबेर इंद्र ने सौधर्म इंद्र के आदेश पर अयोध्या नगरी की सुंदर रचना की तथा मरुदेवी की सेवा में अष्ट कुमारियों को नियुक्त कर 15 माह तक रत्नों की वर्षा की। अष्टकुमारियों द्वारा माता मरुदेवी की सेवा करते हुए समय व्यतीत होता गया और एक रात्रि के अंतिम प्रहर में माता मरुदेवी को 16 शुभ स्वप्न दिखाई दिए। भक्तों ने भगवान के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का शुभारंभ प्रातःकाल की बेला में श्री जी के नित्य महा अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया। प्रभु की शांति धारा के बाद श्रावक श्राविकाओं ने भगवान के गर्भ कल्याणक का पूजन किया। इस दौरान भक्तों ने प्रभु के चरणों में अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित कर भक्ति नृत्य से अपनी भक्ति भी प्रकट की। इसी श्रृंखला में भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज का पाद प्रक्षालन एवं उन्हें शास्त्र भेंट कर स्वयं के जीवन में ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया तो वहीं आचार्य श्री ने भी अपनी आध्यात्मिक वाणी से भक्तों को अभिभूत करते हुए उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराया। भगवान का रूप नहीं आता, संसारी प्राणियों के रूप आते हैं, आपकी आंखों में चित्त चलते रहते हैं और आपकी आंखों में संसारी प्राणियों के चित्र छाई रहते हैं, किंतु आप कई बार कोशिश करते हैं, बहुत सब करते हैं आंख बंद करके भगवान को देखने का, फिर सही बात ही है भगवान दिखते ही नहीं, भगवान नहीं दिखते। और ज्यादा कोशिश की तो आपको मूर्ति दिख जाएगी पर मूर्ति में भगवान ही दिखते। आपकी आत्मा आपका मन कहता है इधर पत्थर की मूर्तियां हैं, धातु की मूर्तियां हैं, मूर्ति में भगवान तो किसी बिल्ली व्यक्ति को देखता है, मूर्ति में मूर्तिमान बिरला व्यक्ति देख पाता है, भगवान की मूर्ति में भगवत्ता वही देख पाता है जिसे भविष्य में भगवान बनना है। इसी बीच महोत्सव समिति ने समारोह के मुख्य अतिथि श्री शिव कुमार राठौर पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का स्वागत सम्मान किया और उन्होंने कलश ज्योति जलाकर समारोह को गति प्रदान की। सौभाग्यवती श्राविकाओं ने चौक पूर कर भव्य मंगलाचरण के साथ माता मरुदेवी की गोद भराई का शुभारंभ किया। माता की गोद भर रही प्रत्येक श्राविका स्वयं की गोद सदा भरी रहे ऐसी भावना बहा रही थी तथा आनंद नृत्य से अपनी भक्ति प्रकट कर रही थी। We'll be right back.
भक्तों ने कार्यक्रम स्थल से मंदिर जी तक नवीन वेदी शुद्धि एवं मान स्तंभ वेदी संस्कार के लिए घट यात्रा निकाली और मंदिर जी में नवीन वेदियों का शुद्धिकरण किया। तदुपरांत श्रावक श्राविकाओं को श्री जी की संध्याकालीन आरती उतारने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान भक्तों ने आनंद नृत्य के माध्यम से अपनी भक्ति प्रकट की। अष्टकुमारियां माता मरु देवी को महाराज नाभि राय के दरबार में लाईं और माता ने महाराज से रात्रि में देखे स्वप्नों का फलादेश पूछा तथा महाराज नाभि राय ने स्वप्नों का फलादेश बताते हुए उनके गर्भ में तीर्थंकर बालक का अवतरण होना बताया। तत्पश्चात 56 कुमारियों द्वारा माता मरु देवी की सेवा में विभिन्न प्रकार की भेंट समर्पित की गई। दर्शकों, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जिसका प्रत्येक क्षण आनंद प्रदायक होता है, चाहे वो विधान के दृश्य हो या फिर राज्यसभा के दृश्य। प्रत्येक पल अपने आप में अद्भुत होता है। अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित शमशाबाद में आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के दृश्य। ये कार्यक्रम 27 अप्रैल से 2 मई के मध्य परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ससंग के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे इसी समारोह की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए आज्ञा और आप सभी देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् जिनेंद्र आदिनाथ चिन्बिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में। दर्शकों, पंच कल्याणक महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जिसमें मांगलिक मंत्रानुष्ठान विधि के माध्यम से पाषाण की मूरत को परमात्मा का रूप दिया जाता है। ऐसा ही अवसर प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित शमशाबाद वासियों को, जिन्होंने परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के आशीर्वाद से विगत 27 अप्रैल से 2 मई के मध्य भव्य पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ससंग का भक्तों को सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, अविलंब आरंभ करते हैं इस पंचोत्सव में मनाए गए भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव के पावन दृश्य। उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी आगरा के शमशाबाद में विगत 27 अप्रैल से 2 मई के मध्य श्रीमद् जिनेंद्र आदिनाथ चिन्बिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। ये महोत्सव परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के आशीर्वाद से आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों को परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ससंग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। 29 अप्रैल को महोत्सव में भगवान का जन्म कल्याणक मनाया गया, जिसका शुभारंभ प्रातःकाल की बेला में श्रद्धालुओं ने भगवान के जलाभिषेक के साथ किया।
जलाभिषेक के उपरांत श्रद्धालुओं ने गुरुवर के मंत्रोच्चारण के मध्य विश्व शांति की कामना के साथ श्री जी की शांति धारा की। इस दौरान भक्तगण शांत भाव से प्रभु भक्ति में लीन नजर आए। इसी बीच सहस्त्रों दिव्य ध्वनियों के मध्य बालक आदि कुमार का जन्म हुआ। स्वर्ग में सौधर्म इंद्र का आसन अचानक कंपायमान होने लगा तथा चारों निकाय के देवों के यहाँ स्वतः ही वाद्य यंत्र बजने लगे। सौधर्म इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से आसन हिलने का कारण जाना और सात कदम आगे बढ़कर साष्टांग प्रणाम किया तथा इंद्राणी से पूछने पर अयोध्या नगरी में माता मरु देवी की कुक्षी से तीर्थंकर बालक के जन्म होने की घोषणा की। अयोध्या नगर में महाराजा नावराय के उत्तर पंथ काल में महारानी मरु देवी के कोख से तीर्थंकर बालक का जन्म। सौधर्म सभा में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। सभी इंद्र इंद्राणी आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगे। जहां एक ओर इंद्र नगर में बालक आदि कुमार के जन्म से इंद्र इंद्राणियां फूले नहीं समा रहे थे, तो वहीं बालक आदि कुमार के जन्म की सूचना मिलते ही अयोध्या नगरी में खुशियों की बहार छा गई। इस दौरान प्रभु के जन्म की खुशी में झूम रहे भक्तों का उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा था। लक्ष्य में परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने अपने मुखार बिंद से भक्तों को महापुरुषों के जन्म पर प्रकृति के स्वभाव से अवगत कराया। महापुरुषों का जन्म जब भी होता है प्रकृति भी आनंदित होने लगती है। महापुरुषों के जन्म की सूचना प्रकृति स्वयं आकर के देती है। सामान्य पुरुष के सामान्य व्यक्ति की जन्म की सूचना चाहे घर वालों को भी नहीं पाएगा, किंतु महापुरुष के जन्म की सूचना सर्वत्र अपने आप फैलती चली जाती है। जैसे अंतरिक्ष में सूर्य का उदय होता है, उसकी सूचना देने के लिए कोई आता नहीं, किंतु उन्हें सूचना अपने आप ही फैल जाती है कि आकाश में सूर्य का उदय हो गया। चंद्रमा की चांदनी रात्रि में जैसी इकट्ठी रहती है, आपके यहाँ कोई फोन नहीं करता, पत्र नहीं आते, कोई कहने नहीं आता कि चंद्रमा की चांदनी आने वाली है, स्वतः ही सूचना अपने आप आ जाती है। यदि कहीं ठंडी हवा चल रही हो तो कोई आपको कहने नहीं आता ठंडी हवा चल रही है, स्वतः ही आपको उसका ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार महापुरुषों का जन्म जब जब भी इस वसुधा पर होता है, तब तब नियम से प्रकृति आनंद का अनुभव करती है। जब जब भी किसी महापुरुष का जन्म हुआ है, तब तब प्रकृति ने संतोष और शांति का अनुभव किया है। तीर्थंकर आदि महापुरुषों का जब जन्म होता है, तीनों लोकों में क्षण के लिए शांति छा जाती है। एक क्षण के लिए जहाँ पर निरंतर मार मार शक्ति रहती है, ऐसी नरक में भी शांति छा जाती है।
स्वतः ही चार निकाय के देवों में, विमानों में, भवनों में सिंहनाथ, वेरीनाथ, शंखनाथ, मंगल घटोबा नाथ अपनी आँख हो रहता है। आचार्य श्री की वाणी के बाद सौधर्म इंद्र सचेत रानी के साथ अयोध्या में प्रभु का जन्मोत्सव मनाने पहुँचे। सौधर्म इंद्र ने सचेत रानी से प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहा। हे सती, तू तो अधिक शक्तियों की धारक है, एक काम कर, तू अपनी शक्ति से माया से एक मायावी बालक का निर्माण कर और उस बालक को वहाँ सुला के आ जा, तीर्थंकर बालक को ले जा। सचेत रानी माता मरु देवी को मायावी निद्रा में सुलाकर बालक आदि कुमार को गर्भगृह से लेकर आई और सौधर्म इंद्र के आग्रह करने पर प्रभु को उन्हें सौंपा तथा इंद्रदेव तीन लोक के नाथ को निहारने से आंखें तृप्त न होने पर उन्हें सहस्त्र नेत्रों से निहारा। आप देख रहे हैं श्रीमद् जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की मनोहारी झलकियाँ। इस महोत्सव के शेष दृश्यों को दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में ब्रेक से पूर्व आपने महोत्सव की प्रारंभिक झलकियों को देखा और आइए अब देखते हैं महोत्सव के शेष महत्वपूर्ण दृश्य। भगवान आदिनाथ के जन्मोत्सव की श्रृंखला में भक्तों ने प्रभु के जन्माभिषेक की यात्रा निकाली। प्रभु की जन्माभिषेक यात्रा बड़ी ही भव्य थी, जिसमें बग्घियों पर सवार सौधर्म इंद्र इंद्राणी एवं अन्य भक्तगण नगरवासियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र थे, तो वहीं नृत्य कर रही नृत्यांगनाएं भी कुछ कम नहीं थी। जन्माभिषेक यात्रा में श्राविकाएं शीश पर कलश धारण कर प्रसन्न मुद्रा में प्रभु गुणगान करते हुए मार्ग में अग्रसर हो रही थी। इसके अलावा अन्य श्रद्धालु भी बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनि के मध्य आनंद नृत्य से अपनी भक्ति प्रकट कर रहे थे।
नगर में धर्म प्रभावना करते हुए प्रभु की जन्माभिषेक यात्रा पांडुक शिला स्थल पहुंची और भक्तों ने प्रभु का कृत्रिम सुमेरु पर्वत पर 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलश भगवत अर्पकृतिम शुभंजलि स्थापयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलश शुभंजलि स्थापयामः। जन्माभिषेक श्रृंखला में महोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। संध्याकाल बेला में भक्तों ने प्रभु की मंगल आरती उतारी। इस दौरान संपूर्ण पांडाल प्रभु भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा था। सभी भक्त प्रभु भक्ति में झूम रहे थे। बालिकाओं ने भी भव्य भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया।
बच्चों ने हास्यप्रद तरह तरह के खेल खेले। आप सभी देख रहे थे जिनवानी चैनल की विशेष प्रस्तुति में श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की पावन झलकियां। उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी आगरा के शमसाबाद में विगत 27 अप्रैल से 2 मई के मध्य ये भव्य महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में श्रद्धालुओं को परम पूज्य अभीष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ससंग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में अभी वक्त है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा, देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर दिखाए जा रहे श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में। दर्शकों, पंचकल्याणक महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जिसमें नर से नारायण और पाषाण से भगवान बनने के अनुष्ठान हैं। ऐसे ही अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित शमसाबाद वासियों को, जिन्होंने विगत 27 अप्रैल से 2 मई के मध्य भव्य पंचकल्याणक महोत्सव में सम्मिलित हो अपने पुण्य में वृद्धि की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के आशीर्वाद से आयोजित हुए इस महोत्सव में भक्तों को परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ससंग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, अविलंब आरंभ करते हैं महोत्सव में 30 अप्रैल को मनाए गए प्रभु के तप कल्याणक के पावन दृश्य। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित शमसाबाद में 27 अप्रैल से 2 मई के मध्य श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के आशीर्वाद से आयोजित हुए इस महोत्सव में भक्तों को परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ससंग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। महोत्सव में 30 अप्रैल को प्रभु का तप कल्याण मनाया गया, जिसका शुभारंभ प्रतिदिन की भांति श्री जी के नित्य महा जलाभिषेक के साथ हुआ। प्रभु के जलाभिषेक के उपरांत श्रद्धालुओं ने श्री जी के शीश पर अभिमंत्रित जल की धारा प्रवाहित करते हुए शांति धारा की। इस दौरान उपस्थित सभी भक्त अपने हृदय में सुख शांति और समृद्धि की भावना धारण किए हुए थे। शांति धारा के बाद श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु के जन्म कल्याणक की पूजा की। इस दौरान भक्तगणों ने श्री जी के चरणों में अष्ट द्रव्य समर्पित किए, तो साथ ही प्रभु भक्ति में भक्ति नृत्य भी किया। पूजन के दौरान श्रद्धालुओं को मंडल पर श्रीफल चढ़ाने एवं हवन कुंड में आहुतियां देने का स्वर्णिम अवसर भी प्राप्त हुआ। नमः।
इसी बीच में समारोह में पधारे अतिथियों ने गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया, तो वहीं महोत्सव समिति ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान के पश्चात परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री बसुनंदी जी मुनिराज ने भक्तों को अपनी अमृतवाणी का रसपान कराते हुए प्रभु के कल्याणकों से अवगत कराया। आपका कल्याण अलग है, किंतु शास्त्रों में 5 कल्याण थे, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष। शादी नाम का भी कल्याण है। कल्याण शब्द का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। तीर्थंकर प्रभु की 5 महोत्सव होते हैं। ये 5 महोत्सवों को शौदर इंद्र अन्य इंद्रों के साथ तथा विद्याधर मनुष्यों के साथ संपन्न करते हैं। ऐसा विशाल विराट महोत्सव होता है, इसी तीर्थंकर की व्यक्ति संगत आदि को प्राप्त कर लेते हैं। आप कल्याण की यात्रा को प्राप्त करते हैं, रंगत्र को प्राप्त करते हैं, इसलिए कल्याण कहे जाते हैं। तो आज तप है, इसीलिए ज्ञान और मोक्ष है। तप नहीं होता केवल ज्ञान की प्राप्ति। गुरुवर के प्रवचन उपरांत महाराज नाभिराय का दरबार लगाया गया। युवराज आदि कुमार राज दरबार में आए और स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान हुए। इसके बाद सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने मंगल गीतों के साथ युवराज आदि कुमार के विवाह की क्रियाएं करते हुए उनका श्रृंगार किया। इस दौरान पांडाल में आनंद का माहौल छा गया, सभी भक्त खुशी में झूमने लगे। युवराज आदि कुमार की बारात निकाली गई, जिसमें सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाएं आनंद नृत्य करते हुए महाराज कक्ष और महाकक्ष के यहाँ पहुँचे और युवराज आदि कुमार का विवाह उनकी बहन नंदा एवं सुनंदा से कराया। युवराज के विवाह उपरांत सौधर्म इंद्र द्वारा राज्याभिषेक की क्रियाएं की गयी तथा युवराज आदि कुमार को वस्त्राभूषण से सुसज्जित कर महाराज नाभिराय द्वारा युवराज को मुकुट पहनाकर संपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी सौंपी। तदुपरांत महाराजा आदि कुमार के राज दरबार में विभिन्न देशों के राजाओं का आगमन हुआ और उन्होंने महाराज के चरणों में तरह तरह की भेंट समर्पित कर अधीनता स्वीकार की। हमारे प्रदेश में काजू की खेती होती है, हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। दर्शकों, इन दिव्य झलकियों में अभी यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव की शेष झलकियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवानी चैनल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिन बिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में। दर्शकों, ब्रेक से पूर्व आपने देखी थी प्रभु के राज्याभिषेक की पावन झलकियां।
और आइए अब देखते हैं दीक्षा कल्याणक के वैराग्यमयी पलों को। राज्याभिषेक के बाद शनि शनि समय व्यतीत होता गया। काल के प्रभाव के अनुसार एक दिन महाराज आदि कुमार ने अपनी पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी को अंक एवं लिपि विद्या का ज्ञान दिया। गणित में 9 अंक होते हैं और इनकी गणना शून्य से प्रारंभ होती है। शून्य का तात्पर्य है जिसका न कोई आदि होता है और न कोई अंत होता है। इसी प्रकार यह जीवन है जिसका न कोई आदि है न कोई अंत। इसीलिए अंक गणित के साथ जीवन का गणित भी आवश्यक है। जीवन विकारों के अभाव के बिना पूर्ण नहीं होता। इसी बीच आदि कुमार के दरबार में प्रजाजन त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए आए और महाराज आदि कुमार को कल्प वृक्षों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं प्रदान न करने की व्यथा सुनाई। इसके बाद महाराज आदि कुमार ने अपने प्रजाजनों को असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प का ज्ञान दिया। जिन मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे ये तराजू है पुराण का। इसे देखते देखते अपने मन को साधने की साधना भी करना है। तब कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में एक श्रावक ने जैन समाज की सराहना करते हुए कुछ यूं कहा। पंच कल्याणक में तब कल्याणक एक ऐसा दिन है जो दिनों पर जैन समाज की आन बान और शान तथा पहचान। तदुपरांत महाराज आदि कुमार के राज दरबार में स्वर्ग की अप्सरा नीलांजना ने नृत्य किया और नीलांजना के नृत्य के दौरान मरण से महाराज आदि कुमार को मन ही मन वैराग्य उत्पन्न हुआ। महाराज आदि कुमार के वैरागी भाव जागृत होते ही स्वर्ग से आकर लोकांतिक देवों ने महाराज की प्रशंसा की। हे आदि कुमार, आपकी क्या कामना सर्वोच्च है, अंतरी है, क्या कर सकती आप करते हैं? इतनों की कमान संसार के कमान संसार नहीं करने आता, क्या करना ही सर्वोच्च है। महाराज आदि कुमार ने सांसारिक माया को त्याग कर अपने पुत्र भरत और बाहुबली को राज पाठ सौंपा। अपने पुत्रों को राजपाट सौंपने के पश्चात महाराज आदि कुमार तप करने के लिए स्वर्ग से लाई गई पालकी में विराजमान हुए। प्रभु के इन वैराग्यमयी पलों के दौरान उनके माता पिता ने वन गमन न करने का आग्रह किया। पालकी उठाने की होड़ लगी है, एक तरफ राजागण। वन गमन हेतु पालकी उठाने के लिए देवताओं और मनुष्यों में विवाद हुआ, जिसका गुरुवर ने निवारण किया और मनुष्य पर्याय को प्रभु की पालकी उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनुष्य के अरे महाराज, तुम्हें ऐसे ही पालकी उठाने का शौक था ना? तो फिर तुम दीक्षा नहीं ले सकते। दीक्षा तो मनुष्य ले सकते और अभी भगवान शक्ति देव नहीं रहे, इंद्र इंद्र नहीं रहे, मनुष्य है हमारे शक्ति। इसलिए पालकी तो पहले नहीं है, चाहे कुछ भी हो पालकी पहले हो।
आचार्य श्री के निर्णय के अनुसार सर्वप्रथम मनुष्यों ने भगवान की पालकी उठाई, तत्पश्चात देवों ने पालकी उठाकर दीक्षा वन की ओर प्रस्थान किया और प्रभु को वट वृक्ष के नीचे विराजमान किया। महोत्सव की श्रृंखला में महोत्सव समिति के सदस्यों ने आगंतुक महानुभावों का स्वागत सम्मान किया। तत्पश्चात पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने विधि विधान पूर्वक दीक्षा विधि की क्रियाओं को संपन्न करते हुए प्रभु को दीक्षा के संस्कार प्रदान किए, साथ ही उन्हें पिच्छी कमंडल भी भेंट किए। भक्तों ने तीर्थंकर भगवंतों की संध्याकालीन आरती उतारी। इस दौरान समारोह में प्रभु भक्ति की ऐसी बयार चली कि उपस्थित सभी भक्तों ने अपना जीवन धन्य कर लिया और नृत्य के माध्यम से अपनी भक्ति प्रकट की। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें बालिकाओं ने एक के बाद एक रंगारंग प्रस्तुतियां देकर भक्ति का समा बांध दिया। श्रृंखला में महोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। इसी बीच कलाकारों ने मैना सुंदरी के दृष्टांत पर आधारित भक्ति से ओतप्रोत नाट्य मंचन किया। दर्शकों, कितने आध्यात्म से भरे थे प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव के दृश्य, जिनमें भगवान के वैराग्यमयी पलों को नाट्य के माध्यम से बड़े ही सुंदरता के साथ दर्शाया गया। आप सभी देख रहे थे उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित शमशाबाद में आयोजित हुए पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन दृश्य। ये महोत्सव परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के आशीर्वाद से विगत 27 अप्रैल से 2 मई के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों को परम पूज्य भीषण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ससंग का सानिध्य प्राप्त हुआ। अब समय है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे इस समारोह की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा और आप सभी देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।
जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में। दर्शकों, अभी तक आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से भगवान के गर्भ, जन्म और तप कल्याणक को देखा। इसी श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं प्रभु के कैवल्य ज्ञान कल्याणक के मनोहारी दृश्य। दर्शकों, कहते हैं कि पंच कल्याणक महोत्सव जिस धरा पर मना लिए जाए तो वह धरा भी किसी अतिशय क्षेत्र से कम नहीं रहती। कुछ ऐसा ही अवसर प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित समसाबाद वासियों को, जिन्होंने 27 अप्रैल से 2 मई के मध्य परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ससंग के पावन सानिध्य में भव्य पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया। तो आइए दर्शकों, अविलंब आरंभ करते हैं महोत्सव के पावन दृश्य। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित शमसाबाद में परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ससंग के पावन सानिध्य में श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। 27 अप्रैल से 2 मई के मध्य आयोजित हुए समारोह में प्रतिष्ठाचार्य श्री मनोज जैन शास्त्री का मंगल निर्देशन भक्तों को प्राप्त हुआ। समारोह में 1 मई को प्रभु का कैवल्य ज्ञान कल्याणक मनाया गया, जिसका शुभारंभ नित्य महा जलाभिषेक पूजन के साथ किया गया। भक्तों ने प्रातःकाल की बेला में मंत्र उच्चारणों के मध्य श्री जी के शीश पर जल से भरे कलशों को ढुराते हुए अभिषेक किया। अभिषेक के पश्चात श्रद्धालुओं ने श्री जी पर जल की निर्मल धारा प्रवाहित करते हुए शांति धारा की। इस दौरान गुरुवर के मुखार बिंद से खिर रही मंत्रों की वर्गणाएं पूरे पांडाल में गुंजायमान हो रही थी। यशोधर कृष्णमती ज्ञानमती सतमती श्री भक्त कांता शांता स्थिति चतुर्विंदी चतुर्विंदी भविष्य परम देव पूजन भक्ति प्रसाद सर्व शांति भवतु तुष्टि पुष्टि च भवतु स्वाहा। ओम त्रिकालवर्ती परम धर्माद्या श्रीमंदर मंदर बाहु स्वभाव संजातक स्वयं प्रभ कृष्णानंद वीर सर प्रभ विशाल कीर्ति वज्रधर चंद्रानंद भद्र बाहु भुजंग मेसर नेम प्रभ वीरसेन महाभद्र देव स्वयति वीर स्थिति पंच विजय क्षेत्र प्रेह मानवीन सदिति शंकर परम देव पूजन भक्ति विशाला सर्व शांति भवतु। प्रभु की शांति धारा कर रहे सभी भक्त अपने हृदय में विश्व में शांति स्थापित हो ऐसी भावना भा रहे थे। परमेश्वरी पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयमेव सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने ने परम सुखाय त्रिलोकमयताय संसार चक्र परमर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन सुखास्पदाय त्रिलोक वसन कराय सत्य ब्रह्मण उत्सर्ग विनाशनाय घात कर्म क्षय कराय धराय वैद्य सियार का श्रावक श्रव्य का प्रमुख चकोर संगोप का सर्व विनाशनाय अघात कर्म विनाशनाय देवाय देवाय नमो नमः स्वाहा। पूर्वोक्त मंत्राणाम पूजन भक्ति प्रसाद। शांति धारा के बाद श्रावक गणों ने गुरुवर के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर उनसे गंधोदक के रूप में आशीर्वाद प्राप्त किया। और इधर प्रतिमा का फल मानने के लिए कुलत्वाम हो मुझे करेंगे तो ये पुष्पाइ बच्चे जिन्दगी का चक्र करा बताते हैं शुंतांश पीन विमले नितान का रंबी देश नितान जनपान परिमान दिया भी और इन देवराम शक्ति जिन्दगी का परिमान दिया भी प्रतिमा जी
गुरुवर से आशीष ग्रहण करने के पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री जी की मंगल आरती उतार कर पंच कल्याणक का पूजन प्रारंभ किया। इस दौरान भक्तों ने प्रभु के चरणों में द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए तो साथ ही भक्ति नृत्य के माध्यम से अपनी भक्ति को भी प्रकट किया। इसी श्रृंखला में परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज ने भक्तों को अपनी अमृतमयी वाणी का रसपान कराते हुए श्रावक धर्म के कर्तव्यों से अवगत कराया। लेकिन अनुव्रतों का पालन श्रावक करते आचार्य महोदयों ने अनेक अनेक प्रकार से श्रावकों के आचरण का वर्णन किया। 32 प्रकार के श्रावक आचार्य उपलब्ध होते हैं। उसमें सभी मुख्यता से आचार्य ने कहा कि 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन श्रावक को करना चाहिए और जो इन 6 आवश्यकों का पालन नहीं करता उसे श्रावक नहीं कहना चाहिए। इसी कड़ी में परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने श्रद्धालुओं को दान देने की विधि बताते हुए मुक्ति की राह दिखाई। दान देने की वस्तु के लिए पहले समीक्षा परीक्षा कर लेना चाहिए ये वास्तव में देने के योग्य है अथवा नहीं। दान देने वाला दाता भी शुद्ध होना चाहिए। नवदा भक्ति पूर्वक दान देता है, दाता के 7 रूपों से ऊपर के दान देता है और दाता के 21 विशेष रूपों से ऊपर के दान देता है, दाता के 5 आवृतों से सहित ऊपर के दान देता है। गुरुवर के प्रवचन उपरांत ब्रह्मचारी भैया जी महामुनिराज को शीश पर धारण कर आहार के लिए निकले और विधि न मिलने पर वन में वापस लौट गए। बाद पुनः आहार के लिए आए और राजा श्रेयांस के चौके में विधि मिलने पर आहार के लिए रुके। तभी राजा श्रेयांस एवं राजा सोम ने महामुनिराज का पड़गाहन कर उन्हें विधि विधान पूर्वक इच्छु रस का प्रथम आहार कराया। इसी श्रृंखला में उपस्थित अन्य श्रावक श्राविकाओं को भी प्रभु को आहार कराने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। दर्शकों भी आप देख रहे थे कार्यक्रम श्रीमद् जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में केवल्य ज्ञान कल्याणक के मनोहारी दृश्य। अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का, हम फिर लौटेंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। रे
ब्रेक के बाद एक बार पुनः स्वागत है विशेष कार्यक्रम श्रीमद् जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित शमसाबाद में 27 अप्रैल से 2 मई के मध्य आयोजित हुए इस कार्यक्रम में अब आपको दिखाएंगे केवल्य ज्ञान कल्याणक की शेष झलकियां। प्रभु की आहार चर्या के बाद महोत्सव समिति ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत सम्मान किया तो वहीं उपस्थित भक्तों ने प्रभु के केवल्य ज्ञान कल्याणक का पूजन करते हुए हवन कुंड में आहुतियां दी। तदुपरांत भगवान का चतुर्मुखी समवा शरण लगाया गया जिसमें चारों निकाय के देवी देवताओं एवं त्रियंश गति के जीवों का आगमन हुआ। तभी समव शरण के मध्य गणधर रूप में संघ सहित विराजमान आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने अपने मुखार बिंद से दिव्य ध्वनि घेरी और भक्तों को मुक्ति का मार्ग बताया। संसार में दो प्रकार के द्रव्य हैं, एक जीव द्रव्य दूसरा अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य वह होता है जो अनादि काल से जी रहा है, आज भी जी रहा है, अनंत काल पहले भी जीता था, अनंत काल बाद भी जीवित रहेगा। चेतना का कभी अभाव नहीं होता, चैतन्य शक्ति का कभी विनाश नहीं होता। जो शाश्वत चैतन्य शक्ति से युक्त है वह जीव है, चेतना लक्षणो जीवः। इसके विपरीत अचेतन शक्ति से युक्त अजीव होता है। इसी बीच भक्तों ने गणधर रूप में विराजमान गुरुवर से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। हे गुरुदेव, आहार दान की क्या महिमा है एवं आहार दान के देने का पात्र का कौन होता है? आहार दान के संबंध में पूछा है। आहार दान चार प्रकार के दानों में उत्कृष्ट है। शास्त्र दान तो कोई भी कर सकता है, वशत का दान भी कोई भी दे सकता है, बाह्य औषधि उपचार भी कोई कर सकता है, किंतु आहार दान कर्म भूमि का जन्मा हुआ उच्च कुलीन मनुष्य जो अंग आदि से सहित है, हीनादिक अंग वाला न हो, वह पूर्व में भाई भावना के अनुसार वह उत्तम पात्र को आहार देता है। इसी श्रृंखला में श्रद्धालुओं ने केवल्य ज्ञान कल्याणक का पूजन कर समव शरण की मंगल आरती उतारी। इसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा भाव के साथ तीर्थंकर भगवंतों की संध्या कालीन आरती उतारी। इस दौरान प्रभु भक्ति में झूम रहे भक्तों का उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा था। Yeah.
आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें बालिकाओं ने एक के बाद एक रंगारंग प्रस्तुतियां देकर उपस्थित भक्तों का मन मोह लिया। श्रृंखला में अलवर से आए कलाकारों द्वारा भव्य नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने हैरत अंगेज कर देने वाली प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तीर्थंकर प्रभु के गर्भ से निर्वाण तक की यात्रा कर रहे हैं। इस आनंदमयी यात्रा में अभी तक आप पहुंचे हैं केवल ज्ञान कल्याणक के अनुपम दृश्यों तक। आप भी जान गए होंगे कि किस प्रकार तीर्थंकर प्रभु ने तप साधना करते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति की। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी आगरा के समसाबाद में पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ससंग के सानिध्य में 27 अप्रैल से 2 मई के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, इसी के साथ अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मोक्ष कल्याणक महोत्सव के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। पिछले 4 दिन से दिखाए जा रहे श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में, जिसमें आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं प्रभु के अंतिम कल्याणक यानी मोक्ष कल्याणक महोत्सव की अलौकिक झलकियाँ। ये पंचोत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित समसाबाद में 27 अप्रैल से 2 मई के मध्य परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के आशीर्वाद से आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों को परम पूज्य भिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ससंग का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं महोत्सव के पावन दृश्य। विगत 27 अप्रैल से 2 मई के मध्य उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित शमसाबाद में परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के आशीर्वाद से श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमे भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ससंग का पावन सानिध्य मिला। इस समारोह में प्रतिष्ठाचार्य श्री मनोज जैन शास्त्री के मंगल निर्देशन में भक्तों ने पंचोत्सव की मांगलिक क्रियाओं को विधि विधान पूर्वक संपन्न किया। समारोह में 2 मई को प्रभु का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जिसका शुभारंभ नित्य महा जलाभिषेक पूजन के साथ किया गया। शांति ओम श्री शांति।
ग्रंथ है दुंदुभि संप्रातर्मदय दुंदुभि संप्रातहार सोमदय। प्रभु के अभिषेक उपरांत श्रद्धालुओं ने गुरुवर के मंत्रोच्चारण के मध्य श्री जी के शीश पर जल की धारा ढुराते हुए शांति धारा की। शांति मंत्रों के मध्य शांति धारा कर रहे भक्त अपने हृदय में सुख शांति और समृद्धि की भावना धारण किए थे। इसी श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं को श्री जिनेन्द्र प्रभु की मंगल आरती उतारने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। की मंगल आरती उतार कर धर्मानुरागी बंधुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के दिशा निर्देशन में मोक्ष कल्याणक का पूजन किया। इसी दौरान आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज संघ सहित पांडाल में पधारे, जिनका चरण वंदन कर भक्तों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी बीच कृत्रिम कैलाश पर्वत पर विराजमान प्रभु का शरीर दिव्य ध्वनियों के मध्य आकाश में उड़ गया और अग्नि में विलीन होकर कपूर की भांति निर्वाण को प्राप्त हुआ। भगवान के मोक्ष गमन होने के बाद उनके शेष बचे नख और केशों को अग्नि देवों ने अपने मुकुट से अग्नि प्रकट कर विसर्जित किया। Thank you.
तो दर्शकों, इन आध्यात्मिक झलकियों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे समारोह में आगे की झलकियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे आज के विशेष कार्यक्रम श्रीमद् जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में। दर्शकों, ब्रेक से पूर्व आपने देखी थी भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की प्रारंभिक झलकियां, और आइए अब देखते हैं महोत्सव में आगे की महत्वपूर्ण झलकियां। इसके बाद समारोह में उपस्थित हुए भक्तों को आचार्य श्री के मीठे प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें आचार्य गुरुवर ने अपने मुखार बिंद से बताया कि मंदिर निर्माण कराने एवं मूर्ति प्रतिष्ठित कराने से क्या पुण्य लाभ होता है। ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 भव लेकर के मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। भरत चतुर्थी के बारे में कल पूछा, क्यों जल्दी मोक्ष चले गए? बाहुबली भगवान को ले गया साल, एक साल केवल ज्ञान में क्यों लगा? 12 शब्दों को एक हजार वर्ष क्यों लगा? भगवान शबदेव ने कोई जिनाले नहीं बनवाए, बाहुबली ने कोई जिनाले नहीं बनवाए, भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनाले बनवाए थे कैलाश पर्वत पर, इसलिए भरत चक्रवर्ती यंत्र मुद्रा मोक्ष ले गए। जो जिनाले बनवाता है उसके पुण्य को कौन कह सकता है। आचार्य श्री की वाणी का रसपान करने के बाद महोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान के बाद श्रावक श्राविकाओं ने नवीन मंदिर पर स्थापित करने के लिए शिखर कलश ध्वजा एवं प्रभु के छत्र आदि का शुद्धिकरण किया। तो वहीं समारोह में पधारे मुख्य अतिथि पूर्व विधायक डॉक्टर श्री राजेंद्र सिंह ने अपने उद्बोधन दिए। तदुपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने विश्व शांति हवन किया। इस दौरान भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा उच्चारित किए जा रहे मंत्रों के मध्य हवन कुंड में आहुतियां देकर विश्व में शांति व्याप्त रहे, ऐसी भावना भाई। शांति हवन के दौरान मंत्रों की वर्गणाएं संपूर्ण वातावरण में व्याप्त होकर प्रभु के गीत गा रही थी, तो वहीं हवन कुंडों में दी जा रही आहुतियों की सुगंध वायुमंडल का शुद्धिकरण कर रही थी। Allah'a emanet olun.
विश्व शांति यज्ञ के पश्चात श्रावक गणों ने नवीन वेदी पर बिंब स्थापना करने के लिए श्री जी की प्रतिमाओं के साथ मंदिर जी तक जुलूस निकाला। बाजों के साथ निकाली गई प्रभु की रथ यात्रा बड़ी ही भव्य थी, जो नगर में धर्म प्रभावना करते हुए मंदिर जी पहुंची, जहां भक्तों ने उत्साह और उमंग के साथ आनंद भरा नृत्य किया। भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के दिशा निर्देशन में नवीन प्रतिमाओं का अभिषेक कर वेदियों पर विराजमान किया और इसी के साथ कार्यक्रम का शुभ समापन हुआ। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से प्रभु ने कैलाश पर्वत पर साधना के माध्यम से अपने कर्मों की निर्जरा कर मोक्ष को प्राप्त किया। आप अभी देख रहे थे उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित शमशाबाद में 27 अप्रैल से 2 मई के मध्य आयोजित हुए श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की अनुपम झलकियाँ। ये पंचोत्सव परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों को परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ससंग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। हम आगे भी आते रहेंगे ऐसे ही अध्यात्म से भरे कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।